हाल कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमेशा कि आप खुश और आबाद रहें। सब जो है वो अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और मज़ेदार हम लोग खाने खाते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग घर में बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जब बाहर नज़र आ जाती है और स्पेशली जो वो ठेलों पर मिलती है ना, उनकी तो बात ही अलग होती है। तो आज जो है ना वो रास्ते में मुझे नज़र आ गई कलेजी, और कलेजी जो है वो सबकी फेवरेट होती है। ज़्यादातर हम लोग भी या आप लोग भी बकरा ईद वगैरह में खाते होंगे, लेकिन ये जो कलेजी बर्गर और रोल होते हैं ना, ये बहुत फेमस है, हर कोई खा रहा होता है और बोलते हैं भाई बड़ा मज़ेदार है। तो मुझे भी आज जो ना चलते चलते ये नज़र आ गया। ये देखें बड़ा सा इनका तवा है और ये कलेजी रखी हुई है। तो ये किस तरीके से बनाते हैं, कौन सी कलेजी होती है, इसका जायका कैसे होता है, ये मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे? मैं ठीक हूँ भाई। ये जो कलेजी होती है ना, इसमें ऐसा क्या जायका होता है कि भाई सब बड़े मज़े से खाते हैं? बहुत शुक्रिया। असल में कलेजी का जो जायका है वो दो चीज़ों से बनता है, एक तो कसूरी मेथी, सही, एक तो कसूरी मेथी से इसका जायका बनता है, और दूसरा ये कि इसमें आप घी डालें। अच्छा, अभी ना एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट रुक जाए, पहले मैं पूछ लूँ, फिर ये बनाते रहेंगे ना। ये बड़े मज़ेदार से मसाला लग रहा है, ये हमसे घर में नहीं बनता इतने मज़े का। असल में इतना बड़ा तवा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तवा, और ये हंडिया में कभी अच्छा बनेगा नहीं। हाँ, हंडिया का आइटम नहीं है कलेजी। अच्छा, ये बड़ा आपका मसालेदार लग रहा है। एक मिनट, हाँ मैं वहाँ पर आती हूँ, रुक जाए। अभी मैं आपको जैसे बता रही थी कि लोग जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं, तो सामने जो है वो भाई भी खड़े हुए, तो मैं इनसे पूछती हूँ वो क्या कह रहे हैं। जी भाई, क्या कह रहे हैं आप? ये कहना चाहता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोग इंतजार करते हैं, 3 से 4 बजे आता है। अच्छा, और बहुत ही खराब। आप आते हैं खाने के लिए क्या पर? सब इंशाल्लाह इधर पहुँचते हैं टाइम से, हम तो एक एक घंटा पहले इंतजार करते हैं। सही, जायका अच्छा है इनका माशाल्लाह, खा कर देखो दो बार आओगे तो सही है। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं जायका मज़ेदार है, और ना इसको देख के मेरे भी मुँह में पानी आ गया जिसका मसाला है। मैं आपको बता दूँ जी, ये जो पॉइंट है ये फारिया चौक कहलाता है। हाँ बिल्कुल, गुलजार हिजरी। सही सही है, ये मेरी बैक साइड की गुलजार हिजरी। हाँ, थाने और सामने फारिया। हाँ, ये रहा सामने फारिया चौक जो है ना, सही, गुलजार हिजरी का इलाका है। थाना ये सुल्तानपुर का है। हाँ, कहते हैं गुलजार हिजरी। अच्छा, ये आपका जो ये लगा हुआ है, जो ठेला लगा हुआ है ना, वो जगह पे भी ऐसी लगा हुआ है कि हर तरफ से नज़र पड़े, बंदा रुक जाए खाने के लिए। तो लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको आप कितनी देर पकाते हैं फिर? ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पकाया जाता है, पहले इसको घी में फ्राई किया जाता है। सही है, सही, नीचे लगने दिया जाता है। अच्छा, मसाला इसका भुन जाए ताकि ये भुन के इसकी खुशबू पूरे माल में आए। हाँ वाकई, अभी आप बनाना शुरू कर रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वाह वाह, अच्छा, अच्छा, आप कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 3 से 4 बजे तक आ जाता हूँ, 12 से 1 बजे तक। अच्छा, मतलब रात तक चलता रहता है? अक्सर खत्म हो जाता है अभी। आप दिन में आपके कितने किलो कलेजी बनती है? ये असल में दिन का है, यहाँ पे बाजार में रोज़ आप कितने किलो लाते हैं कलेजी? मैक्सिमम 15 किलो से 20 किलो ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो बताएं एक रोल आपका कितने का है? एक रोल हमारा 70 रुपीज़ का है। सही, प्लेट 100 रुपीज़। अच्छा, मतलब अगर हम प्लेट पर अलग से रोटी के साथ खाना चाहें तो? अलग से 15 रुपीज़। सही है, चले आप बनाए फिर। और हमारा एक और स्टॉल लगता है स्टॉक में। हाँ, वहाँ पे मेरी अम्मी रहती है। हाँ, मैंने खाया इतवार बाजार के सामने। जी, जी, जी। हाँ, वो बहुत मज़ेदार है। हमारे अच्छा, सही सही। अच्छा, आपने मसाले जो है ना इसके बहुत मज़ेदार लग रहे हैं मुझे, हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं आपने, और ये मसाला कुटी मिर्चें वगैरह भी है ना इसके अंदर। अच्छा, किस चीज़ की कलेजी है ये? बड़े जानवर की कलेजी होती है, और कलेजी जो मज़ेदार है, जो अच्छी कलेजी है, वो बड़े जानवर की होती है, मतलब गाय की, मतलब गाय की, बछिया की। सही है, अगर भैंस की होगी तो उसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। हाँ, भैंस की तो अच्छी होगी, ज़्यादा पकाना पड़ेगा, वो ज़रा थोड़ी हार्ड होती है। सही, वैसे बछिया गाय की मुनासिब। अच्छा, और आपने इसको घी में बना रहे हैं आप? इसको बनाना ही घी में चाहिए। हाँ, बड़े मज़े की कसूरी मेथी। अच्छा, ऑयल में डाली हुई आपने कसूरी मेथी? ये है मसाला, मसाला डाला हुआ है। अच्छा, इसमें तो ये मसाला लहसुन अदरक हरी मिर्च धनिया पुदीना ये चीज़ें पीस के इसमें जब डलती हैं तो फिर इसमें भी डलती हैं। तो वो आपने ये आपने ऑयल में पकाया हुआ है? नहीं, घी है।
अच्छा घी के अंदर आपने सब चीज़ें पका ली हो, कसूरी मेथी वो अलग चीज़, अच्छा वो अलग चीज़ है, अच्छा सही सही है। जब जो मसाला इसमें डालते हैं वही मसाला उसमें से थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, जायका डबल हो जाता है उसका, सही है। तो खाली पानी डालने से ना हाँ वो मतलब उसका जायका नहीं बनता है, इसमें मसाला होता है, मिर्ची होती है और 10-12 और चीज़ें होती हैं, तो उससे जो ग्रेवी बनती है। हाँ ग्रेवी जो होती है ना असल चीज़ यही होती है, वरना अक्सर तो खुश्क होती है कलेजी, तो ग्रेवी बहुत अच्छी और बहुत मतलब गाढ़ी ग्रेवी, हाँ गाढ़ी होनी चाहिए, मसाले का भी हाँ मसाले का लग भी रही है बड़ी मजेदार। ये अब माल में साइड पे लगाऊंगा, माल पक जाता है ना जी, तो इस माल को मैं साइड पे करता हूँ, अच्छा मसाला तवे पे छोड़ देता हूँ, अच्छा मतलब कलेजी आप साइड में रखें मसाला तब, अच्छा तो इसकी वजह कोई, उसकी वजह ये कि अभी इसमें और मसाला डाल के ना घी डाल के एक ग्रेवी बन जाएगी जो पसंद करते हैं कस्टमर। अच्छा तो फिर आप उनको अलग से ग्रेवी भी दे सकते हैं, वाह भाई ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा ये आप अलग से मतलब इस मसाले की ग्रेवी बना लेंगे, वाह वाह वाह, और ये ग्रेवी बन गई। अच्छा जो ड्राई खाना चाहे वो खुश्क खा ले और जिसको ग्रेवी चाहिए वो ऊपर से डलवा ले, तो फिर हम बनवा लें सर भाई, आप हमारे लिए एक प्लेट बना के दें, सही है लेकिन हम ग्रेवी, आप ग्रेवी वाली बनवाएंगे, मैं ग्रेवी नहीं डलवाएंगे, बस आप ये जो थोड़ी सी मसाले वाली है ना वो बना दें। अच्छा ये खाली कलेजी होती है, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं होती? कलेजी आप इसमें गुर्दा डालेंगे, दिल डालेंगे, इसका जो है जो रहता है ना वो ख़राब हो जाएगा ना, हाँ उसमें क्योंकि और अजीब सा हो जाता है। ठीक है चले आप बनाएं हमारे लिए, अच्छा पार्सल वगैरह भी लेके जा रहे हैं ना लोग, ये रोटी आपने इस पर क्यों रखी? ये इससे एक तो गर्म हो जाती है सही, और दूसरा ये चटपटी हो जाती है, पसंद करते हैं। अच्छा रोटी पे भी मतलब इसका मसाला लग जाता है तो लोगों को मज़ा आता है इसे खाने में? हाँ वाकई आपने तो इस पर मसाला लगा दिया, वाह भाई वाह। अच्छा लोग यहाँ पे गरम गरम खाते हैं और घर भी लेके जाते हैं? ले जाते हैं सही, एक बार घर ले जाते हैं तो फिर उसको समझ लेते हैं। हाँ मैंने देखा कि अभी सब आए भाई लेने के लिए, अभी मैं आई थी तो कोई नहीं था, एकदम से जो है ना वो लोग लेने के लिए आ गए, मज़ेदार लग रहा है भाई बहुत। मेरे गेस्ट आ गए थे, मैं जरा उनके साथ बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा सही, एक आर्टिस्ट आई थी। अच्छा खुद भी शोबिज़ से वाबस्ता हूँ। अच्छा आप शोबिज़ से वाबस्ता हैं? मैं भी शोबिज़ से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह आप क्या करते हैं? मैं एक्टिंग भी करता हूँ, डायरेक्शन भी, प्रोडक्शन भी करता हूँ। अच्छा तो फिर ये डायरेक्शन प्रोडक्शन और आर्टिस्ट बनते बनते ये कलेजी बनाने का आइडिया कैसा आ गया? ऐसा नहीं है, पहले कलेजी बनाता था बाद में मैं, तो आपने कैसे सोचा कि मेरे लिए ये कारोबार अच्छा रहेगा ये करता हूँ? 3 साल से मैं कलेजी का काम कर रहा हूँ। फिर तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस कलेजी में से। तो हाँ ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा और कलेजी कैसी बनाते हैं ये? बहुत अच्छी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। हाँ मेरी अम्मी के घर के पास है एक, उन्होंने बताया। हाँ 2K अच्छा सही है। अच्छा जी अब आपने दोबारा घी डाला इसके अंदर, अच्छा भुनाई अच्छी खासी करनी पड़ती है ना आपको इसके अंदर? भुनाई इसको अभी चपातियों पे लगाया है ना जी, घी चला गया चपाती, हाँ चपाती पे लग गया, कमी थी तो घी भुना सही है। ठीक है अच्छा जी आपने रोटी पे रख के दे दिया है, सही है सही है। काफ़ी दूर से आते हैं, हाँ बता रहे लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छा अगर 100 रुपये के अलावा कोई कम में लेना चाहे तो आप दे देते? दे देते, कोई बोले 50 की देने जैसे ज़रूरतमंद भी होते, वैसे हाँ वैसे प्लेट 100 की होती है, सही है सही है, मतलब कम हो जाते हैं थोड़े बहुत, सही है ठीक है। चाहिए उन्होंने बना दी प्लेट और ये चलिए खा के, अच्छा मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं रोटी के बगैर जो है ना मैं टेस्ट करके खाती हूँ रोटी के बगैर कि इसका जो जायका ना वो कैसा है, तो मैंने ये भी लेंगे और मैं ज़्यादा हरी मिर्च खा के ली। अच्छा बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी बात पर है कलेजी की क्या है कि अक्सर हमने जब बाहर खाई तो वो क्या होती है पकने के बाद सख्त हो रहती है, तो इनकी जो कलेजी है ना ये देखिए आप नरम है, आराम से आप इसे खा सकते हैं, जो हार्ड हो जाती है बाहर खाते हैं तो उसका जायका जी सकता बिल्कुल नहीं, बहुत मज़ेदार है और ग्रेवी भी बाकी इनकी बहुत मज़ेदार है। ये हार्ड ज़्यादा पकाने से हाँ मैंने देखा अक्सर
सब पता होता है कि इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, 10 मिनट पका लेते हैं, 15 मिनट पका लेते हैं, वो हार्ड हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल, ये 5 मिनट से ज़्यादा इसको पकाना नहीं चाहिए। और अंदर तक इसका जो मसाला है ना वो गया हुआ है। और मसाला 1 घंटा पहले लगा लें। अच्छा, 1 घंटा पहले। 1 घंटा मसाला पहले लगा लें, उसके बाद इसको पकाएं। अच्छा, आप डायरेक्ट पकाते हैं इसको, बॉईल वगैरह कर लेते हैं? नहीं, इसमें 1 घंटा पहले मसाला रहेगा ना, इसके अंदर तक वो मसाले का जायका चला जाएगा। अच्छा, इसमें हीट तो नहीं आती ना? नहीं, तो नहीं आ रही आपने। यही वजह है कि मसाला 1 घंटा पहले लगा हुआ है। आप यही मसाला लगा के 5 मिनट के बाद पका लें तो हीट आएगी। अच्छा, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं हम बॉईल करते हैं, तो आपने बगैर बॉईल किए ही बनाई, डायरेक्ट बनाई आपने? तो नरम है। सही है, ये जानवर का सबसे नरम हिस्सा है। सही, इसको ज़्यादा पकाने की या इसको गलाने की या उबालने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे जो है ना वो नया आइडिया मिल गया, देखें कि मैं जो है ना बॉइल कर लेती थी आगे इसकी हीट निकल जाए, लेकिन देखिए उन्होंने बनाया है तो ना हार्ड है ना कुछ, मसाला बिल्कुल अंदर तक जो है ना वो चला गया इसके, और बड़ा मज़ेदार। अच्छा, मैं आपको एक बार बताऊँ, जो हम लोग खाते रहते हैं बड़े जगहों पर जा जाके, लेकिन जो इस तरह खाने का मज़ा है ना, जो बाहर खड़े हो के और जो ऐसी जगह पर खाने का मज़ा है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। आप खाएँगे और और आज का मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप शादी से पहले इस तरह के खाने खाते थे? कभी बाहर आपने खेलों में खाने एंजॉय किए? तो शादी के बाद आपने तब्दीली कैसे आई? इन्होंने की है। क्यों, मैंने क्या किया? गंदी गंदी जगह पे खाना खाना है। गंदी जगह है? देखिए, जो ये खाना खाने में मज़ा है ना, वो किसी जगह पे भी नहीं है। अच्छा, ये बताया, मज़े का नहीं है? मज़े का तो है। और आप खेलों पे सबसे ज़्यादा कौन रुकता है? मैं रुकता हूँ, मैं रुकता हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे भी बात दे दी। और आप खेलों पे सबसे ज़्यादा ये रुकते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब जो है ना वो मैं रोज़ आने वाली हूँ, रोज़ ही आऊँगी इंशाल्लाह। अभी 2 दिन का गैप इसलिए आ गया था, फिर थोड़ा सा ये बिजी रहेंगे। वैसे लोग जो है, आप जो है वो कितने बजे जाएंगे घर? बस जब खत्म हो जाएगा तो ये एंड चल रहा है, इसके बाद ये खत्म हो गई बस। हाँ माशाल्लाह, बस ये थोड़ा सा ही रह गया, अभी ख़त्म हो जाएगा रात तक जो है। अच्छा, ये अच्छा, वैसे कलेजी भारी होती है, लेकिन अभी मैंने खा के देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस कलेजी को खाने के बाद भारीपन फील हुआ। 35 साल हो गए खाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं, मैं आपको अपना एक वो किस्सा सुनाती हूँ, कि एक दफ़ा मैंने ना कलेजी बाहर से खाई और उसे खाने के बाद मुझे जो उल्टियाँ लगी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं उसमें क्या था या ऐसा क्या था, लेकिन अभी जैसे मैंने ये खाई तो वो ये इतनी लजीज है कि मुझे लग नहीं रहा कि जायका अंदर तक महसूस हो रहा है। हर बंदे का बनाने का तरीका, हाँ सही, हर बंदे का मसाले का अलग अलग है और कोई सही से पकाता है। अच्छा, आप रोज़ाना ताज़ी लेकर आते, ख़त्म हो जाती है ये? सही है। और इसमें भी 10-12 क्वालिटी हैं। अच्छा, ये जो दूध वाली भैंस होती है उसकी भी गलेजी है, ज़ाहिर है उसकी रेट कम है। हाँ, ब्रीडर वाली गलेजी आती है उसकी भी रेट कम है, फिर एक इंडिया की गलेजी आती है। सही, उसकी रेट कम है। अच्छा, यानी कि आपकी जो है अच्छी वाली क्वालिटी की आती है? हाँ, लग ही रहा है, मज़े का है। अच्छा, आप जो है वो भाई जब मंडी वंडी लगती है, गाय वाय आती है, तो फिर इनका कलेजा बेचने पहले ही मंडी में चले जाते हैं आप? लोग अजीब वरीब से सवाल करते हैं कि जी क्या इन जानवरों की कलेजी निकाल ली आपने, जिंदा जानवरों की? बोले जिंदगी कैसे निकालेंगे भाई, बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मैंने देखा मंडी में खाते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो ये चीज़। हालांकि वहाँ पे ठेले वगैरह पे नहीं खाते, हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ मंडी में ये एक एज ए ब्रांड। हाँ, एज ए ब्रांड सही कलेजी, एज ए ब्रांड। अच्छा, आप हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं और बड़े इत्माद से, अच्छी अच्छी सर्विस और अच्छे लोग आके 15 रोल। मुझे लगता है जो मज़ा ठेले पे खाने का है ना, वो रेस्टोरेंट में खाने का नहीं है, तमीज़ से बड़ा खाना पड़ता है। यहाँ मज़े से खाओ भाई अपना। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ तावन किया, और अल्लाह पाक आपके कारोबार में और बरकत दे, और इंशाल्लाह बकरीद में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे। हाँ, दुआ कीजिएगा आप। जो लोग देख रहे हैं, हाँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खाएं, खाएं, पसंद करें। जो टूके पे रहते हैं वो वहाँ पे जाके खाएं, और जो हाँ और जो यहाँ रहते हैं यहाँ के खाएं। चल, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? मुझे बहुत मज़ा आया, और यहाँ पे खड़े होकर जो कलेजी खाने का मज़ा है ना, उसका मज़ा ही अलग है और बहुत मज़ेदार है। आप फारिया चौक पे आएँ तो ज़रूर खाएँ, आप टूटे के स्टॉप पे जाएँ, वहाँ पर भी है इनका स्टॉल, आप वहाँ जाके भी खा सकते हैं। और इंशाल्लाह मंडी लगेगी तो उसमें भी हम इनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें, देखने के बाद लाइक करें और उसको आगे शेयर करें ताकि और लोग भी देखें। और चैनल को जो है ना आपके बगैर मैं आगे नहीं लेके जा सकती जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। अपना